हेलो प्रोप्रियन फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं सेक्टर 125 में। तो यहाँ पे आपके लिए एक विला लेके आए हैं 150 स्क्वायर यार्ड में प्रिपेयर्ड, जो इसका फ्रंट होगा 27 फीट वाइडर होगा और जो इसकी डेप्थ होगी 50 फीट वाइडर होगी। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं किस तरीके की अवेलेबिलिटी हमारे पास इसमें है। तो सबसे पहले जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें मिल जाता है पार्किंग स्पेस, और अगर आप ये पार्किंग स्पेस देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइडर पार्किंग स्पेस आपको मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी एसयूवी व्हीकल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एंटर कर सकती है। उसी के साथ अगेन हमारे पास दो गाड़ियों की दो गाड़ियों की पार्किंग अगेन यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो आप स्पेस देख सकते हैं कितना वाइडर है। तो यहाँ पे आप सिटिंग एरिया भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरनल 5 to 10 पर्सन्स की आप गैदरिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन आप आपके इस विला का कर पाएंगे। तो चलिए अब एंटर करते हैं हमारे इस विला में और अंदर देखते हैं हमारे पास किस तरीके से अवेलेबिलिटी इसमें मिल जाएगी। तो इसी के साथ जैसे ही आपने पार्किंग देखी थी उसी में आपको एक सेपरेट इन्वर्टर के लिए प्लेस प्रोवाइड की गई है, और उसी के ऊपर आपके पास स्टेयर्स हैं जो कि सेपरेटली फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए हमें हेल्प कर देगी। तो चलिए हमारे ग्राउंड फ्लोर में एंटर करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही हम एंटर करते हैं सबसे पहले आप देख पाएंगे कि जो डोर्स हैं बहुत ही ज़्यादा वाइडर डायमेंशन के हैं, ब्रॉडर हैं और लार्जर हैं। और उसी के साथ जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें मिल जाता है हमारा ड्राइंग एरिया। तो ड्राइंग एरिया काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको प्रोवाइड किया गया है, और ड्राइंग एरिया के साथ में आप देखेंगे वुडन पैनलिंग यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर भी आपका जो सामान है उसको आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं और डेकोरेशन बहुत अच्छी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा सोफ़ा सेट आ सकता है 7 to 9 सीटर बहुत ही ज़्यादा इजीली। इवन 11 सीटर भी आप अगर सोफ़ा लगाना चाहें वो भी इस पर लगा सकते हैं। और अगर मैं बिल्कुल सामने देखूँ मेरे ड्राइंग एरिया से तो आपको विंडोज़ प्रोवाइड की गई हैं दो सेपरेट, जो कि लाइट को एंटर करने में बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगी। और अगर हम रूफ़ को देखें तो रूफ़ पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉल सीलिंग इसमें दी गई है। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ आपको पैनलिंग दी गई है जहाँ पे आपका टीवी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, यूटिलिटी का सामान आप बहुत अच्छे से इसमें रख सकते हैं। और जैसे ही हमारे ड्राइंग एरिया से हम दूसरी साइड आते हैं हमारा किचन एरिया मिल जाता है हमें, और किचन एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बहुत अच्छे से आपको हार्ड टॉप काउंटर दिया गया है, वाइट टोन के साथ अपर काउंटर्स हैं, लोअर काउंटर्स ग्रीस टोन के साथ हैं। और अगर आप टाइलिंग पे ध्यान दें तो काफ़ी अच्छी टाइलिंग प्रोवाइड की गई है, HD टाइल्स आपको इसमें दी जा रही हैं। और लेफ़्ट साइड पर मेरे दोनों रूम्स होंगे जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट रूम और सेकंड रूम। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट रूम में चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट रूम में किस तरीके की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। तो जैसे ही फर्स्ट रूम में आते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस फर्स्ट रूम मिल जाता है। वॉलपेपर के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, अटैच वॉशरूम आपको इसमें दिया जा रहा है। अटैच वॉशरूम में आप टाइलिंग देख सकते हैं, ड्यूल टोन में आपको टाइलिंग प्रोवाइड की जा रही है, और फ्लोर पे आपको एंटी स्किड टाइलिंग मिल जाएगी। और अगर आप इस रूम की रूफ़ पे देखेंगे तो आपको फॉल सीलिंग दी जा रही है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टोन के साथ, बहुत ही अच्छी लाइटिंग के साथ। लेफ़्ट साइड पे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैनलिंग दी जा रही है आपके टीवी के लिए, LCD टीवी के लिए, प्लस बैक लाइट भी इसमें दी जा रही है, सो दैट जब नाइट का टाइम होगा आप लाइट्स ऑफ करके जब टीवी देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको बैकग्राउंड आपके टीवी के लिए मिल जाएगा। और मेरे अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो वार्डरोब्स दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी डाइमेंशंस के साथ, प्लस इसमें ड्रेसिंग एरिया प्लस ड्रेसिंग मिरर भी इसमें आपको अटैच मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर इसमें आपको जो वार्डरोब्स हैं वो दिए जा रहे हैं बहुत ही अच्छी डाइमेंशंस के साथ, काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें आपका आप रख पाएंगे। और इसी रूम के साथ कनेक्टेड है हमारा यूटिलिटी एरिया जहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन आप बहुत ही ज़्यादा इजीली रख सकते हैं, और जो यूटिलिटी एरिया रहेगा वो दोनों रूम्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, हमारे फर्स्ट रूम के साथ भी और सेकंड रूम के साथ भी। तो चलिए हमारे सेकंड रूम में चलते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रूम रहेगा,
दोनों रूम्स की जो डायमेंशन है, जो सिमिट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम दिखते हैं ये, आप देख सकते हैं। अगेन इसमें भी आपको वॉलपेपर दिया जा रहा है, अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा जिसमें अगेन आपको ड्यूल टोन के साथ टाइलिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, एंटी स्किड टाइलिंग्स आपको इसके फ्लोर पे मिल रही हैं। और अगर आप इसके साथ में देखेंगे आपको मिल जाएगा यूटिलिटी एरिया का एक्सेस, और अगेन दोनों साइड से आपको यूटिलिटी आप बहुत ईजिली एंटर कर पाएंगे। राइट साइड पे वही आपको डिज़ाइनर पैनलिंग मिल जाएगी बैकग्राउंड लाइटिंग के साथ, जिसमें आपका टीवी लगा सकते हैं एलसीडी, और यहाँ पे आपको कुछ कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे इसमें भी आपका सामान ईजिली आप रख सकते हैं। अगर आप इसकी भी फॉल सीलिंग देखेंगे तो आपको वुडन फिनिश के साथ इसकी भी फॉल सीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से फॉल सीलिंग को मेंटेन किया गया है। और मेरे बिल्कुल फ्रंट में अगर आप वार्डरोब्स देखेंगे, अगेन सेम डायमेंशन के साथ बहुत ही ज़्यादा वाइडर, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आपको वार्डरोब्स दिए जा रहे हैं। आपको ड्रेसिंग एरिया सेपरेट दिया जा रहा है इसमें, और ड्रेसिंग मिरर भी इसमें दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, अब हमारे फर्स्ट फ्लोर की भी अवेलेबिलिटी को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से है, आपको एक बैल्कनी प्रोवाइड की गई है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपने देखा स्टेयर्स ग्रेनाइट के वर्क के साथ की गई थी, प्लस स्टील के साथ इसकी रो प्रोवाइड की गई थी। ये आपका ड्राइंग एरिया मिल जाएगा, अगेन वॉलपेपर 3D फिनिश के साथ आपका इसका वॉलपेपर दिया गया है। और अगर आप इसकी रूफ पे देखेंगे फॉल सीलिंग दी गई है आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से फॉल सीलिंग में लाइटिंग की प्रोविजंस आपको दी गई है, वुडन पैनलिंग करी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन वुडन डिस्ट्रीब्यूशन की गई है हमारे ड्राइंग और किचन में, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टोन इसको दे रहा है। इसी के साथ आपका किचन अगेन हार्ड काउंटर के साथ, हार्ड टॉप के साथ, ग्रेश लोअर काउंटर और वाइट टॉप काउंटर इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे आपका किचन के साथ अवेलेबल है कॉमन एरिया आपके फर्स्ट फ्लोर का, जहाँ पे आपको कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी और स्टेयर्स मिल जाएगी, स्टेयर्स के थ्रू आपके टेरेस पे आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस आपके टेरेस पे दी गई है, वहाँ पे आपका एटमोसफेयर को आप इंजॉय कर सकते हैं इवनिंग टाइम में। और ये कॉमन एरिया हमारे फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्ट करता है जो कि हमारे फर्स्ट बेडरूम पे है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो अगेन इसकी सिमेट्री रिकग्नाइजेबल है हमारे ग्राउंड फ्लोर के साथ, सेम उसी डायमेंशन के साथ, वॉलपेपर्स के साथ, वार्डरोब्स आप देखेंगे सिमिलर टाइप के, बहुत वाइडर डायमेंशंस के साथ आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगे, ड्रेसिंग एरिया इसमें सेपरेट विद ड्रेसिंग मिरर आपको दिया गया है, वॉशरूम आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कितना सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है, टाइलिंग इसमें जो दी गई है बहुत ही सुंदर तरीके से अटैच की गई है, और वुडन पैनलिंग आपको सामने मिल जाएगी जिसमें लाइट की प्रोविज़न दी गई है, जहाँ पर आपके छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स आप बहुत ईजिली रख सकते हैं। और ये जो रूम है, जैसा कि हमने हमारा कॉमन एरिया को देखा तो उसके साथ अटैच करता है, इसमें जैसा कि आपने हमारे पूरे विला में देखा आपको दो डोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक वुडन आपको डोर मिलेगा और दूसरा मैश डोर मिल जाएगा। तो इन केस आपको एयर एंटर करने देनी है तो सिर्फ आपका मैश डोर ओपन रख सकते हैं, क्लोज रख सकते हैं, और उसके बाद आपकी एयर बहुत ईजिली इसमें एंटर कर पाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम हमारे फर्स्ट फ्लोर का। इसी के साथ यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे 2 to 3 persons डाइनिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं, और इसी के साथ अटैच्ड आपको सेकंड बेडरूम मिल जाएगा हमारे सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर में आपको जो बेडरूम मिल रहा है वो इस कुछ डायमेंशंस का होगा, यहाँ पे आपको वुडन पैनलिंग मिल जाएगी, लाइटिंग मिल जाएगी आपके डेकोरेटिव आइटम्स के लिए, और उसी के साथ अगर मेरे सामने आप देख पाएँ तो आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगे, और अगेन इसमें भी आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा। वॉलपेपर को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी टोन के साथ आपको वॉलपेपर प्रोवाइड किया गया है, और इसमें भी आपको
फॉल सीलिंग हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें अगेन बहुत ही सुंदर लाइट का प्रोविज़न किया जा रहा है। तो ये कुछ टूर था अभी तक हमारे इस 4 BHK डुप्लेक्स विला का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है, जिसमें आपने देखा हमने आपको 4 बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं, चारों जो रूम्स हैं विद अटैच्ड आपको वॉशरूम मिल जाएंगे, और पैनलिंग जो कितनी भी की गई है वुडन की पैनलिंग हमने प्रोवाइड की है, डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी वुडन की प्रोवाइड की है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ वीडियोस हमारी टीम आपको हिमाचल प्रदेश की भी प्रोवाइड करती है, तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश की भी वीडियोस देखनी है ऐसे ही सुंदर सुंदर विलास की, अपार्टमेंट्स की, तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो कि है प्रॉपर्टी राउंड के नाम से। तो प्रॉपर्टी राउंड आप सर्च करेंगे आपको हिमाचल की वीडियोज़ मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी राउंड ट्राई सिटी सर्च करेंगे तो आपको चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, खरड़, न्यू चंडीगढ़, ट्राई सिटी की वीडियो बहुत ईजिली मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत सारी फ्यूचर में वीडियोज़ हमारी तरफ से आ रही हैं, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए, उन सभी वीडियोज़ को इन्जॉय करने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।